जनता पार्टी की हो और तेलंगाना को 75 साल के बाद ये निजाम की परछाई से दूर करने का काम तेलंगाना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को कहने आया हूँ, यहाँ चार पार्टियां मैदान में है, एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी टीआरएस, तीसरी मजलिस और चौथी भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, टीआरएस कांग्रेस दोनों मजलिस से निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं। ये दोनों मजलिस के एजेंडा। हमें लगा तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। जैसे ही विधानसभा चाल आउट ऑफ वे जाकर सारे नियमों की धज्जी उड़ाकर मजलिस के नेता को टेम्पररी स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने इनका सजदा करने की शुरुआत। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? नहीं कर सकते। ये वोट बैंक की लालच से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बैंक से नहीं डरते हैं, हम तेलंगाना के कल्याण और तेलंगाना के सम्मान को समर्पित पार्टी। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी, आप देखे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, आगे भगवान जाने कौन गांधी। ये केसीआर के बाद केटीआर, केसीआर, केटीआर और बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, ये मजलिस भी परिवारवादी पार्टी। ये तीनों पार्टियों का लक्ष्य राजनीति में अपने बेटे बेटों का कल्याण करना है, बेटों बेटियों का कल्याण करना। आप मुझे बताइए, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करते हैं वो तेलंगाना के किसान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के ओबीसी का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? तेलंगाना के युवा, किसान, महिला और ओबीसी दलित का भला केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नरेंद्र मोदी।